एक्टिविटी आप लोगों के साथ शायद नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग बॉम्बे के जर्नलिस्ट हैं, आप लोग मुंबई के जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशंस के जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के पीछे भी लोग खड़े हैं, पावर है। लेकिन वो छोटे बेचारे जो तीन जर्नलिस्ट थे, छोटे शहर के थे, नवे नवे, इन्होंने छानबीन शुरू ही की थी नाम फाउंडेशन के बारे में, बस इनको भनक लग गई नाना पाटेकर और उसके ग्रुप को, अंदर डाल दिया तीनों को। ये करता है कौन तो कौन सॉरी देखिए, माफ़ी का मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं केस ड्रॉप कर दूंगी, नो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। माफ़ी का मतलब ये होता है कि आप अपने दिल और दिमाग और जहन में चीज़ों को लेकर बैठे नहीं हुए हैं, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन इन लोगों को छूट देना सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती मानी नहीं है, और ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। गलती मानेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तब का तब देखा जाएगा। गलती मानी नहीं है, माफ़ी मांगी नहीं है, उल्टा इन लोगों ने पिछले एक या डेढ़ साल में जब से बात उठी है, और उन्होंने अपने गुनाह बढ़ा दिए हैं और हरासमेंट कर दिया है। मैं उसको वैसे ही देखती हूँ जैसे कि वो है। कुछ जगहों पे सक्सेस हुई है, जैसे कि अनु मलिक को निकाल दिया गया, पहली बार निकाला। मुझे जो आश्चर्य हुआ कि उनको वापस शो में डाल कैसे दिया था। खैर, फिर से उनको निकाल दिया गया, उसको एक सक्सेस माना जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में मूवमेंट स्ट्रगल भी कर रही है, जैसे कि कुछ मामले ऐसे हैं जैसे लड़कियों ने केस ही वापस ले लिया, ठीक है। अब जब ये खबरें बाहर आती हैं कि किसी लड़की ने केस किया था या कंप्लेंट दी थी और उसने कंप्लेंट वापस ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया है। ये कॉमन सेंस की बात है, सबको समझनी चाहिए कि अगर किसी लड़की ने अपना केस वापस लिया है या अपनी कंप्लेंट वापस ली है, इसका मतलब है कि उस पर बहुत हाई लेवल का प्रेशर डाला गया है। और जनरली लड़कियों में उतनी वो क्षमता नहीं होती है कि वो लड़ पड़े, हमको बनाया नहीं गया उसके लिए। मैं अधिकांश लड़कियों की बात कर रही हूँ, हमको नहीं बनाया गया है जंग लड़ने के लिए। हम काम कर रही हैं, वी आर वर्किंग एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वही बहुत काफ़ी है। ये जो मर्दों वाला जो अग्रेशन झगड़ा, वो जो है ना कि मतलब मार्क, हमको नहीं बनाया गया वैसा। और ये जब कंप्लेंट्स होती है ना, मीटू मूवमेंट वाली कंप्लेंट्स, तो लड़कियां हैं, लेकिन आदमी बिल्कुल जंग वाले तलवार वाले लेके निकल जाते हैं, पॉलिटिशियंस को फ़ोन करते हैं। यहाँ से एक लड़की थी, उस दिल्ली वाली जो लड़की थी, विकी सरना का जो कंप्लेंट था उसका तो FIR ही दर्ज नहीं हुआ 3-4 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर उसने कंप्लेंट करी थी, उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। और ये लड़की कौन, बेचारी दिल्ली की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। तो ये भी देखो ना, वो तो सारा ऑल गन्स आउट, आदमियों के सारे गन्स निकल जाते हैं। ऑब्वियसली आदमी खराब है ना, वरना तो लड़की को परेशानी क्यों करता। एक ऐसा आदमी जो किसी लड़की के साथ झगड़ रहा है, लड़की के साथ उसकी प्रॉब्लम हो रही है इस लेवल पे, हरासमेंट के लेवल पे, मतलब इश्यूज हैं, तो अब कंप्लेन कर रही है, तो ये सारा निकल रहा है, तो लड़कियां कभी बैकआउट हो जाती हैं, हिम्मत नहीं होती है सबकी। मैंने बोला ना, मैं खड़ी हूँ क्योंकि नितिन जी है और नितिन जी का टीम है। मैं जितनी बार मैं थक जाती हूँ, बोलते नहीं नहीं हम खड़े आपके साथ, ये जितना ज़रूरी है आपका, अच्छा ठीक है, और मैं भी जितना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभार शक्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक मीटू मूवमेंट आज भी जारी है, लेकिन इंडिया के अंदर जो अवेयरनेस है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में विशाखा गाइडलाइन दिया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया था
एक गाइडलाइन पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने को ऑल सेक्रेटरीज को बताया गया था, लेकिन आज भी विशाखा का गाइडलाइन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट वो क्या होता है, इसके बारे में बीच में कोई यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा था, ये क्या होता है विशाखा गाइडलाइन, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बोलते हैं एक्टर्स बोलते हैं ये क्या होता है, ये कुछ यूजलेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने के बाद भी आज जनता को, लोगों को या फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को मालूम नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस के बाद क्या कमेटी फॉर्म करना चाहिए, अगर किसी महिला की शिकायत आती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें से वन ऑफ द एक्यूज उसने भी स्टेटमेंट किया था विशाखा वगैरह के कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू है, ऐसा स्टेटमेंट किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी ये फालतू बोलते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपरली हुआ नहीं, इसके लिए मीटू मूवमेंट जारी हुआ और ये तनुष के थ्रू इनके जरिए सक्सेसफुल रहा और आज भी जारी है मेरे हिसाब से। एक और चीज़ है, अमेरिका का कल्चर और वहाँ का माहौल बहुत अलग है। वहाँ पे जैसे अगर आप कुछ भी इश्यूज होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर चोरी चपाटी का इशू हो या फिर किसी लड़के ने परेशान किया या कुछ, आपने 911 डायल किया ना, 3 मिनट में पुलिस आएगी, एग्जैक्टली 3 मिनट्स। आप चाहे अमेरिका के किसी भी कोने में हो, आप पहाड़ों में हो या आप शहर में हो या किसी गांव में हो, एनी वेयर यू आर, एग्जैक्टली विद इन 3 मिनट्स दे हैव टू कम, 3 मिनट्स में पुलिस आएगी और पुलिस उधर के उधर आधी कार्रवाई करती है। सो यू आर नॉट कि आप थाने में चलो, आप थाने में आके रपट लिखवाओ, नहीं नहीं, वो उधर आके उस जगह पे उनकी, तो क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वही वहीं हिल जाते हैं। और वहाँ पे पुलिस को अगर किसी ने ब्राइब करने की कोशिश की, अंडर द टेबल या कुछ करने की कोशिश की, इतनी सॉलिड पनिशमेंट है दोनों को कि मतलब ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी बंदे सबकी। तो वहाँ पे ना लॉ एंड ऑर्डर का डर ऐसा है कि लोग भी थोड़ा केयरफुल हैं। और जब मीटू मूवमेंट वहाँ पे हुआ, एक बार लड़कियों ने कंप्लेन किया, हार्वी वाइनस्टाइन आज भी फंसा हुआ है, अभी उसका ट्रायल शुरू होने वाला है, बैंड बज गई उसकी, वो कितने हाई लेवल पे था, कंपैरिजन हो सकता है इन लोगों का हार्वी वाइनस्टाइन से? ये है दिव्या हमारी एडवोकेट्स असिस्टेंट, और ये है आशीष असिस्टेंट अगेन एडवोकेट्स असिस्टेंट्स, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फॉर यू नो फॉर आर केस एंड एवरीथिंग। सो वी वांटेड देम आल्सो, ये दोनों मेरे बैकबोन है, मेरे पीछे सब यही मेरा काम संभालते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, सामने नहीं आते कभी। और भी मेरी टीम है 8 लोगों की, 8 एडवोकेट है मेरे पास, इसमें से 2 हमेशा साथ में रहते हैं, तो ये सब बिहाइंड द कर्टन ये काम करते हैं, इसकी वजह से हमें सक्सेस मिलता है। मेरे सारे जितने सारे केसेस है, हाई प्रोफाइल केसेस जो बॉम्बे हाईकोर्ट में सारी पिटिशंस वगैरह जो होती है, वो जो बनाने में, उसको फाइलिंग करने में, ड्राफ्टिंग करने में, इन सारों का हाथ होता है और बहुत काम करते हैं, इसकी वजह से जो सक्सेस आपको दिखता है ये सब इनकी वजह से है। Two things are there. One is if I get justice and if these 4 people are put in jail, then I will feel compensated. Not just for myself, but because I will also know that this will set a precedent for all the harassment cases to come. Can you imagine? Ek movement ke hone se log satark ho gaye hain, kafi log satark ho gaye hain. To agar jail convictions ho jati hai, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे प्रोटेस्ट पिटिशन में हमने कॉम्पनसेशन की भी बात छेड़ी है, हमने अमाउंट अभी तय नहीं किया है क्योंकि वो बाद की बात है, जब वेन वी आर नियरिंग सक्सेस ऑफ द केस, जब केस हम जीतने वाले होंगे देन वी विल पुट द अमाउंट। बट ऑनेस्टली दैट वॉज नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन द माइंड, दैट्स वाई हम लोगों ने उसको बस कॉम्पनसेशन मैंशन करके रहने दिया है। आवर मेन थिंग इज़ जस्टिस। ये मैं चाहती हूँ कि ये अरेस्ट हो, मैं चाहती हूँ कि उनको 3rd degree ट्रीटमेंट मिले, 4 के 4 5ों को इंक्लूडिंग राखी सावंत 3rd degree ट्रीटमेंट मिले, एंड कम से कम इनको 6 महीने की मिनिमम इनको जेल हो अनइंटरप्टेड। मैक्सिमम हमारे कंट्री में बहुत सारे गुनाहों के लिए बेल वेल पे घूमते रहते बाहर क्रिमिनल्स, पनिशमेंट नहीं होती है इनको। लेकिन हरासमेंट का केस, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस होता है लेडीज़ के ऊपर, ये बहुत दिक्कत दे देता है लेडीज़ को, क्योंकि जॉब वॉब छूट जाती है, काम वाम छूट जाता है, आपके लाइफ के जितने प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड आई एम अ सिंगल वुमन,
I have to work. You know, I have to work. What? How will I sustain myself? How will I manage my life if I don't work? And जब मैं देखती हूँ कि ये मेरे ही केस में हरासमेंट अक्यूज्ड बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं, मेरा बहुत दिल दुखता है, बहुत बहुत दिल दुखता है मेरा। क्योंकि मैं एक टाइम था जब मैं सेट पे जाके मैं गाना शूट करती थी, मैं डांस करती थी, मैं एक्टिंग करती थी, यू नो, और इन लोगों ने सब कुछ ख़राब कर दिया। और आज ये इनको बड़ी बड़ी फिल्मों में ये कास्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स, और ये काम कर रहे हैं और मेरे पास काम नहीं है। ये गलत है, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की थी टू डिज़र्व समथिंग लाइक दिस। आई डोंट डिज़र्व समथिंग लाइक दिस। आई डिज़र्व टू बी वर्किंग, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल, एंड आई डिज़र्व ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, नॉट देम, नॉट देम। ये मामला अंधेरी के रेलवे मोबाइल कोर्ट में है, अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट अंधेरी, अंधेरी जो मुंबई के जो अंधेरी लोकेशन जो है वहाँ पर रेलवे मोबाइल कोर्ट, लोअर कोर्ट, लोअर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यस। एंड द वर्स्ट थिंग इज दे गॉट अवे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये लोअर कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम लोग, लड़ेंगे इसको, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ नहीं तो परेशानी तो होगी ना इनको, मरते दम तक ये केस चलेगा, जब तक ये हॉस्पिटल के आईसीयू में आखिरी सांसें ले रहे होंगे ना, तनुश्री दत्ता हरासमेंट का केस लड़ रही होगी, 99 साल की उम्र भी हो जाएगी ना इन लोगों की। देखो मैं तो इनसे यंग हूँ ना, मैं हम लोग लास्ट तक, मेरी टीम पूरी साथ तक, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक इनके साथ लड़ेंगे। मैं तो यंग हूँ ना, मेरे पास तो अभी बहुत उम्र, बहुत टाइम है। और इन्होंने मेरे को एक चीज मेरे को बोल के रखी है, मैंने उनको बोला नितिन जी केस पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, बोले जितने दिन तक चलेगा मैं आपके साथ हूँ। मैंने बोला 10 साल चला तो, हाँ 10 साल में साथ हूँ। और एक और चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ मीडिया को, ये बताना ज़रूरी है इनके बारे में। ये हमेशा मुझे बोलते हैं मत बताओ मत बताओ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि अब तो इन पे भी आई है ना मुसीबत, तो ये बताना ज़रूरी है। इन्होंने मेरा केस प्रो बोनो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। लास्ट ईयर जब ये मुझसे मिले तब मैंने इनको क्लियरली एक चीज़ बात बताई, मैं उनसे जिस दिन मेरा वो इंटरव्यू था ना अर्णव के साथ, अर्णव गोस्वामी वाला जो इंटरव्यू मैं दे रही थी, उस दिन वो मुझसे मिलने आए थे ऑफिस के बाहर। मैं इनसे 5 मिनट मिली गाड़ी में, मेरी गाड़ी में 5 मिनट्स में इनकी बातें सुन के मैं समझ गई कि ही विल बी माई एडवोकेट। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, आई डोंट हैव, आई कैनॉट अफोर्ड अ केस। 10 साल मैंने फिल्में नहीं करी है, मैं इवेंट्स करके थोड़ा बहुत मेरा गुजारा निकल जाता है, बट मैं आई कैन नॉट अफोर्ड अ लेंदी कोर्ट केस, यू नो, कब तक चलेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ कहाँ ये वो, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इन्होंने बोला आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आई एम टेकिंग योर केस, आई एम टेकिंग योर केस फॉर जस्टिस, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट यू जस्टिस, हम इसको जस्टिस तक लेके जाएंगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर उन्होंने बाद में बोला कि, मैंने उनको बोला कि आपने तो केस प्रो बोनो कर रहे हैं लेकिन अगर ये 10 साल तक चला तो, क्योंकि हाँ 10 साल तक चलेगा तो चलेगा, यू नो। सो दैट इज़ वाई मैं इन लोगों को बोल के रखना चाहती हूँ कि मैं नहीं रुकूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी मैं जहन्नुम करके छोड़ूंगी, यू नो, तुमको अगर चैन से जीना है तो तुम सरेंडर करो, गलती मानो और सरेंडर करो, ताकि बाकी की जो ज़िंदगी बची है ना, तनुश्री दत्ता का भूत और साया तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली। मैंने करियर खोया अपना, और सिर्फ करियर नहीं, मेरा पैशन था, मेरा पैशन था एक्टिंग और डांसिंग, और बहुत मेहनत से मैंने उसको बनाया था, और ईश्वर की कृपा से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड है और कोई बड़ा स्टार उनको सपोर्ट कर रहा है या कोई उनको प्रमोट कर रहा है, फिल्में दिला रहा है, सारा सब कुछ मुझे ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से मिला, छोटा छोटा भी मिला, मैंने उसमें काम किया और वो भी मुझसे छूट गया इन लोगों की वजह से, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी, पक्का है ये, you know? और ये लेसन है, सीख है सारी लड़कियों के लिए, सारी लड़कियों के लिए और सारे मर्दों के लिए जो लड़कियों को परेशान करते हैं कि भैया सब बच के रह जाओ, कि दूसरी तनुश्री दत्ता पैदा होएंगी अभी सारी, you know? तो अब कांड मत करना कोई उल्टे सीधे,
ढीठ जो अब सनक गई है ना मेरी, तो अब ये सनक चलेगी अब जब तक कि मैं मुझे कॉम्पनसेशन जस्टिस और जब तक कि मेरी लाइफ रेजरेक्ट नहीं हो जाती फिर भी चलेगी। बस मेरे साथ ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो टीम है आशीष है दिव्या, ये भी इनका भी कमिटमेंट है आखिरी मोमेंट तक लास्ट तक ये साथ में रहेंगे, तनुश्री के साथ में रहेंगे, बोले सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए मामला। हाँ सजा तो होनी चाहिए, बिना सजा नहीं नहीं, ये जो अमाउंट होता है ये कोर्ट डिसाइड करता है। हाँ। उसमें प्रावधान है, कानून में प्रावधान है एक कॉम्पनसेशन क्या देना चाहिए वो देखा जाता है कि मांग तो मांगेंगे हम लोग। हाँ वो हमने अमाउंट अभी डिसाइड नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए प्रथम इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो कोर्ट की प्रोविजन है तो इसने हम लोगों ने कॉम्पनसेशन की बात रखी है, लेकिन क्या अमाउंट होगा क्या होगा वो मेरे टैक्स रिटर्न्स उन दिनों उस ज़माने में जब मैं काम कर रही थी मेरी कितनी इनकम हुआ करती थी वो सब देख दाख के, मतलब ये जो मेरा गैप हो गया है कितना मेरा, वो सब देख दाख के कोर्ट डिसाइड करेगा, हम लोग बाद में सोचेंगे। वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है, मेरा प्रायोरिटी है जस्टिस पाना, उनको सज़ा दिलाना। सज़ा से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे दे के छूट जाएंगे। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉर सेल। सज़ा होगी, आई एम पुशिंग फॉर पनिशमेंट, क्योंकि सज़ा होगी तभी इनको अकल आएगी। तुम हर चीज़ को तुम पैसे देके खरीद लोगे ऐसा नहीं चलेगा, गलती की है तो तुमको गलती का की भरपाई ऐसे करनी पड़ेगी ताकि दुनिया को और सबको ये सीख मिले कि यू विल नॉट गेट अवे विद इट। सज़ा तो होगी 100%, लेकिन कॉम्पनसेशन की बात है वो बाद में देखेंगे, पता नहीं क्या करना। एनी क्वेश्चंस? जी नहीं, उसका करेंगे। अभी करेंगे, उसमें वो ऑप्शन है अभी, आप हमको एडिशनल अभी फाइल करना है उसके बारे में भी ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, पिछले साल हमने डाले थे ओशीवारा पुलिस स्टेशन में वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आना बाकी था, इसलिए हमने वो ऑप्शन अभी प्रिजर्व रखा है कि अब बाद में एडिशनल रिप्लाई फाइल करेंगे, उसमें लाएंगे सारी चीज़ें। नहीं उसने क्या, वो उसने जो उल्टी सीधी चीज़ें करी फिर माफ़ी मांग के फंस गई है वो, तो एडमिशन है उनकी तरफ से, एडमिशन के उन्होंने गलत किया है। हाँ। तो उसका देखेंगे क्या करना है, लेकिन छोड़ूंगी मैं तो उसको। प्रेजेंट पिटीशन में अभी उनके बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ चार आरोपी के खिलाफ है, बाकी जो एडिशनल फाइल करना है उसके बारे में सोच रहे हैं अभी हम लोग, उसे कंसिडर करके फिर करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। हिसाब मैं सबका लूँगी। 10 अक्टूबर 2018, 10 अक्टूबर 2018, ओशीवारा पुलिस स्टेशन मुंबई अंधेरी। हो गया ना जी, आपको कोई सवाल है? अंधेरी जी, ले ले ले, पूरे मार दो। निकल गया होगा।